हेलो। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मेरे पति खाना खा चुके हैं, बट उनको कुछ और खाने का मन कर रहा है। और कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नारियल का लड्डू बनाऊं, क्योंकि अभी मेरे पास नारियल का बुरादा कुछ बचा है। हाल ही फिलहाल में मैंने होली पे बनाया था गुजिया, उसके लिए मैंने मंगवाया था, तो मेरे पास कुछ बचे हुए हैं, तो मैं सोची क्यों ना उसका लड्डू बनाया जाए। तो ये रहा थोड़ा बहुत नारियल का बुरादा और ये रहा घी। और अब शुरू करते हैं हम बनाना नारियल का लड्डू। मैंने लिया है एक पैन, उसको पहले मैं चढ़ाती हूँ और गरम करती हूँ। पैन को थोड़ा गरम होने दे 5 मिनट तक। और जब तक पैन गरम हो रहा है, मैंने फ्रिज से निकाला है ठंडा ठंडा दूध। अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई यूज़ कर सकते हो। हमारा पैन भी यहाँ पे गरम हो चुका है और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी। घी ज़्यादा नहीं डालना है तो हम 1 चम्मच घी डालेंगे। उसके बाद लो फ्लेम करेंगे। यहाँ पे हमारा घी जो है वो गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम अपना नारियल का बुरादा और इसे लो फ्लेम पे थोड़ा देर गोल्डन होने तक भून लेंगे। आपके पास अगर मावा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, इसको भून लें। अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हो तो हल्का केसर का पानी या फिर फूड कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे केसर वो भिंगो के थोड़ा देर इसको रख दिया है। तब तक हमारा, जब तक लड्डू तैयार हो जाएगा, ये केसर जो है अपना इसमें पानी में रंग हो जाएगा। इसको साइड करते हैं। और ये हमारा जो है वो भुन चुका है। हमारा बुरादा भी आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है किस तरीके से। उसके बाद इसमें हम दूध को ऐड करेंगे और वैसे ही लो फ्लेम पे ही इसको मिक्स करना है, जब तक इसका जो है मिक्सचर वो थिक ना हो जाए, डो इसका ना बन जाए, तब तक इसे मिक्स करते रहना है ताकि अच्छे से ये दूध जो है वो ऑब्जर्व कर ले इस बुरादे में। सेकेंड थिंग, आप जितना मीठा आप खाते हो उस अकॉर्डिंग आप या तो चीनी, अगर आपके पास एकदम बारीक बारीक वाली है तब ठीक है, अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप अपने मीठे अनुसार आप उसको चीनी को जो है पीस लीजिए। वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो डो में ऑब्जर्व हो जाता है जो चीनी। सो मैंने अपने मीठे के अनुसार, क्योंकि अभी मीठा मैं परहेज कर रही हूँ, इसलिए अपने मीठे के अनुसार मैंने चीनी जो है इतना थोड़ा सा लिया है। इसको अब मैं पीसूंगी। चीनी जो है वो पिस चुकी है, इसको अब रख देंगे साइड में, क्योंकि ये इसका काम जो है वो लास्ट। अब देख सकते हो हमारा जो डो है वो हल्का हल्का अब तैयार होने लगा है। इसमें थोड़ा हम जो केसर का हमने जो पानी बनाया था वो हम ऐड करेंगे, और थोड़ा सा केसर का पानी मैंने बचा के रख लिया है। सो मैंने बुरादे को दो अलग अलग में रख लिया है, आधे बुरादे को। उसके बाद जो केसर का पानी बचा था वो हम थोड़े से इसमें एक वाइट छोड़ेंगे और एक में थोड़ा केसर का पानी मिला के इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा हम लड्डू के ऊपर से अगर इसको ये करते हैं तो। कुछ हमारा इस तरीके से कलर आ गया है और बाकी बचा जो केसर का पानी है वो हम मिला देंगे वापस से डो में। ये हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और जो हमने चीनी पीस रखी है उसको इसमें टेक्सचर में मिला देंगे, और उसके बाद अच्छी तरीके से इसको पूरे मिला लेंगे। इसको आप अपने मीठे के अनुसार ही मिला सकते हो। अगर आपको शुगर फ्री खाना है तो आप चीनी अवॉइड भी कर सकते हो, स्किप कर सकते हो इसको। उसके बाद इसको पूरी अच्छी तरीके से हम इसको मिला लेंगे और फिर ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। सो हमारा जो डो है अब वो हो गया है ठंडा, और अब उसका हम जाएंगे लड्डू बनाने। और जो मैंने ये जो है फूड कलर डाल के और जो थोड़ा वाइट जो है नारियल बुरादा छोड़ा था, अब उसका यूज़ करके बहुत ही बेहतरीन जो है वो लड्डू तैयार करेंगे। सो आप देख सकते हो कितना सुंदर और कितना खुशबूदार जो है वो लड्डू बना है। सो ये हमारा ऐसे गोल गोल करके, और आप
आप चाहे तो दोनों जो है बुरादा जो मैंने कलर करा है और जो वाइट बुरादा है वो भी मिक्स कर सकते हैं, और चाहे तो एक बुरादा का भी आप ऐसे ऐसे इस तरीके से आप जो है वो लड्डू तैयार कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे दोनों बुरादा को यूज़ करके जो है वो बनाऊंगी। ये रहा लड्डू हमारा, और इस तरीके से हम सारे लड्डू को पहले तैयार कर लेंगे। इसको इस तरीके से राउंड राउंड करके अच्छे से शेप देके गोल गोल लड्डू की तरह, उसके बाद हम इसको बुरादे में ऐसे लपेट लेंगे ताकि जो लुक है वो बहुत अच्छा है। अगर आप वाइट बुरादा और रेड बुरादा दोनों को मिक्स करेंगे तो और भी अच्छा लुक आएगा, और इस तरीके से हमारा जो है वो लड्डू तैयार हो जाएगा। सो मेरे नारियल के लड्डू जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं, एंड एज़ यूजुअल यू नो कि मैं कुछ भी बनाती हूँ तो सबसे पहले अपने पति को खिलाती हूँ, तो मैं ये जाके पहले अपने पति को खिलाऊँगी, टेस्ट कराऊँगी, उसके बाद बताती हूँ कि कैसा बना है लड्डू मेरा नारियल का जो मैंने बनाया है। सो चलते हैं और अपने पति देव को खिलाते हैं लड्डू। जीत, गुड मॉर्निंग। लड्डू टेस्ट करो, जल्दी टेस्ट करो लड्डू। खाओ पहले। कैसा है टेस्ट? यार कितना फीका एक्सप्रेशन देते हो यार, कैसा है टेस्ट? नींद में हो फिर भी? सच्ची में अच्छा है, है?